बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जहाँ इस वक्त महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और मिडिल क्लास फैमिली को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, वहीं अगर किसी का प्यारा किसी छोटे मोटे जुर्म में पकड़ा जाए और अपनी सजा पूरी भी कर ले, मतलब कोई ट्रैफिक का कानून तोड़ा या कोई भी वजह हो सकती है, और उसके बाद वो सिर्फ इसलिए बंद रहे सालों और महीनों के उसके पास 20-25-50 हजार रुपए जमानत के देने के नहीं थे या सजा के साथ जो जुर्माना भरना था उसके पैसे नहीं थे, तो हम क्या ऐलान करने जा रहे हैं वो तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस वक्त एक बहुत बड़े लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी के इस वक्त हमारे पास प्रोफेसर बैठे हैं, इसमें बैरिस्टर्स भी हैं। पहले उनके तारुफ कराता हूँ, बताऊंगा कराची वालों के लिए क्या अच्छी खबर है, क्या फायदा है, सिंध वालों के लिए क्या अच्छी खबर है। सर, आपका तारुफ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बैरिस्टर अहमद शामीर है, मैं एक प्रैक्टिसिंग लिटिगेटर हूँ और मेरे और साथी जो ज़ाबिस लॉ स्कूल के अंदर पढ़ाते भी हैं वो इस। ठीक है, आप यूके से करके आए? बिल्कुल है। ठीक है, आपका तारुफ? अलगुम, मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोग्राम मैनेजर हूँ ज़ैबिस्ट लॉ स्कूल में और हम इस वक्त मौजूद हैं जफर भाई के पास। ठीक है, आपका तारुफ क्या है? सर जी, मेरा नाम अब्दुल्ला संदीलो है, आई एम अ बैरिस्टर एट लॉ, पिछले 3 साल से मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जफर साहब के साथ मिलकर वी कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी अ लिटिल बिट। सर, आपका क्या तारुफ है? मेरा नाम एडवोकेट बिलाल जिंदानी है, मैं ज़ैबिस में फैकल्टी मेंबर भी हूँ, इसके अलावा भी अदर कॉलेजेस में लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, रहा हूँ काफी सालों से और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। सर, आपका नाम क्या है? अस्सलाम, मेरा नाम नूर मोहम्मद समो है, मेरे सारे सीनियर्स हैं, मैं इनको कोर्ट में असिस्ट करता हूँ और मैं ज़ैबिस लॉ सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। ठीक है, मसला क्या है? कोई औरत है और जी वो आ रही है, जी मेरे मकान पे कब्जा हो गया, मैं तो बेवा हूँ, खाली नहीं करा पा रही हूँ और वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, जी हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, वो कह रही है मेरे वो वकील को देने के पैसे ही नहीं है, ये आपका केस फ्री में लड़ेंगे। आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, कोई मार के चला गया, आप दर दर घूम रहे, ना कोई FIR काट रहा है या कोई भी आपको मुश्किल आ रही है, आपका केस लड़ेंगे, फ्री में लड़ेंगे आपके अदालती मामला। आपके साथ कोई जुल्म ज्यादती जबर हुआ है, आपके साथ किसी ने आपको हरासा किया है, किसी ने आपकी बेटी को हरासा किया है, किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपको किसी तरह का भी आप पे जुल्म कर रहा है और आपके पास अगर वसाइल नहीं है तो इनकी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वकील फराहम करेगी, इंतहाई काबिल टीमें हैं जो आपके केस फ्री में लड़ेंगे और किसी किस्म के आपसे पैसे नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये कि मैं आपकी कंपनी को काम दे रहा हूं जेडीसी की तरफ से, सबसे पहले के भाई जो लोग इस वक्त जेलों में हैं और उनके पास जिनके छोटे मोटे जुर्माने हैं 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, हम चाहते हैं कि आप कम से कम 1 मिलियन रुपए मैं आपको देता हूं कि आप 1 मिलियन रुपीज में उन लोगों को जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप उनको रिहा करा सकते हैं कराएं कि वो रमजान की कम से कम पहली सहरी अपने घर में अपने बच्चों के साथ करें, ये ईद अपने बच्चों के साथ गुजारें, हमें पता है कितने ऐसे केसेस होते हैं, हम छुड़ाते भी रहे, तो ये मैं पहला काम दे रहा हूं और ये बहुत अच्छा मैसेज है पूरे सिंध के लिए, किसी भी गांव शहर कहीं पर भी किसी के साथ जुल्म जबर हो रहा है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये आपका केस उठाएंगे, हाईलाइट करेंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे और हर हद तक जाएंगे। अपना नंबर बता दें सर, लोग आपसे कैसे रब्ता करें? 03212777022। ठीक है, आप इसके ऊपर अपना मैसेज कर सकते हैं या अगर आप लोग भी कोई मैसेज देना चाहें तो अपना मैसेज दे सकते हैं। जफर भाई, असल में हालात हमारे मुल्क के जनरली प्रॉब्लम है, जाहिर है, और जस्टिस सिस्टम का भी यही हाल है, लोग काफी टाइम से जुर्म जबर में बेचारे कुछ जेलों में पड़ा हुआ है, किसी को पूछने वाला नहीं है, बेल के पैसे नहीं है, बाहर निकलने के पैसे नहीं है, एक्सेस ही नहीं है लोगों के पास कि अच्छा वकील उनको मिल सके, तो यही सोच के साथ वकील के पास जाते हुए डरते हैं यार, लोग डरते हैं, इतना पैसा मांगते हो, कहते हैं कहां से देंगे। तो हमने सोचा कि अब इसके साथ हम लोग फ्री में जितने लोगों को हेल्प कर सके हम लोग करें, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके रब्ता करें, इंशाल्लाह आप कहीं नहीं लुटेंगे, आपको इंसाफ के हसूल के लिए हर हद तक की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाए फॉरवर्ड कर दिएगा, ट्विटर पर देखिएगा, यूट्यूब के लिए। बहुत शुक्रिया।